आज प्रधानमंत्री मोदी का फैसला है, मैं मानता हूं कि आज जो वो टिकट डिक्लेयर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं उसको देश की 543 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण वो टिकट है, वो टिकट सबसे महत्वपूर्ण। जरा मनीष जी बता दिए, फिर उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। अभी मत दिखाइए, खबर मत दिखाइएगा मनीष जी, जरा इनको पहले, हाँ ये दिखा दीजिए, ये ये उज्जवल निकम है, ये वो है जो हमने अपने इंट्रो में भी कहा, जो अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाला उज्जवल निकम, जो मुंबई पर आतंकी हमले में आतंकियों को फांसी दिलाने वाला उज्जवल निकम, ऐसे आतंकी जिसके संरक्षण के लिए अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा था, इस उज्जवल निकम को मुंबई से प्रधानमंत्री मोदी के पहल पर इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, और वो भी प्रमोद महाजन की बेटी का टिकट काट करके। संदेश क्या दिया गया है इसके माध्यम से? हाँ मनीष जी, मैंने कहा ना कि ये 543 सीटों पर, जबकि प्रधानमंत्री भी लड़ रहे हैं, बनारस से अमित शाह भी लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, बहुत बहुत से सेलिब्रिटी लड़ रहे हैं, कम से कम 100 ऐसी सीटें जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति लड़ रहे हैं जिनका बड़ा महत्व है। लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि 543 सीटों पर इस सीट का जो चयन है प्रधानमंत्री मोदी का, सलाम उनको। और उन्होंने उज्जवल निगम के मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से इनको टिकट दिया गया है, उन्होंने पूरे देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आप किसके साथ हो और कैसे लोगों के बीच में ये चुनाव हो रहा है। मनीष जी, उज्जवल निगम को तो मैंने जब से आतंकवाद के मुकदमेबाजी शुरू हुई, वो बंबई का 93 का ब्लास्ट की बात करिए, तब से उज्जवल निगम, अगर आज की बात करिए तो इनकी पूरी सही गिनती तो यही बता पाएंगे या जो आंकड़े रखते हैं उनके पास होगी कि कम से कम 50 से ज्यादा आतंकवादियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाए, दर्जन भर से ज्यादा आतंकवादियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया उज्जवल निगम ने, अपनी जान पर खेल कर उस बंबई में रह के, जो दाऊद के गुर्गे जहां रहते हो, और वहां पर वन मैन आर्मी में कहूंगा उज्जवल निगम को, जिन्होंने अपने दम पर, अकेले दम पर इस तरह की पैरवी करके एक दर्जन भर से ज्यादा आतंकवादी उन्होंने फांसी के फंदे पहुंचाए, चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे वो याकूब मेमन हो या उनके और साथी हो। और उसके अलावा बंबई में जितनी आतंकवाद की घटनाएं हुई है, चाहे वो मुंबई ट्रेन सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हो, लोकल ट्रेनों में जो ब्लास्ट हुआ, सब में जवेरी बाजार में ब्लास्ट हुआ, जितने आतंकवाद के मुकदमे बंबई के थे उन सब आतंकवादियों को इन्होंने वहां पहुंचाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो सवाल उठाया है मनीष जी, वो और वो सवाल इस पूरे इंडी गैंग को कटघरे में खड़ा करता है, इनके कपड़े उतार देता है कि ये अब देश को फैसला ये करना है कि वो किसके साथ है। ये है उज्जवल निगम के टिकट का संदेश कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो उस उज्जवल निगम को टिकट देते हैं जिसने आतंकवादियों को सीरियस है, मतलब मैंने कहा 50 से ज्यादा आतंकवादी सजा आज अगर पाए हैं तो केवल उज्जवल निगम की पैरवी बदौलत अकेले, और एक तरफ वो इंडी गैंग है जिसका सलमान खुर्शीद सिमी के लिए मुकदमा लड़ना सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसके जिसके वकील आतंकवादियों के लिए जाते हैं कपिल सिब्बल, वो जो हवा हाँ, कौन सा पंजाब का खालिस्तान का आतंकवादी है जिसका मुकदमा लड़ा तो लड़ा, उसके बाद शीला दीक्षित क्योंकि मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की घटना थी तो उनके पास अलग से उसकी अपील लेके चला गया था कि इसको इसकी सजा माफ कर दो, इसकी फांसी की सजा माफ कर दो। बड़े लंबे किस्से हैं और बंबई से क्योंकि मामला है तो मेरे ख्याल से 6 जुलाई, यहाँ 6 जुलाई को 2008, 6 जुलाई 2008 या 6 जुलाई 2000 से, मैं इसको भूल रहा हूँ कि बंबई में जो लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उससे ठीक 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये सलमान खुर्शीद बता रहा था कि सिमी तो एक आतंकवादी संगठन नहीं, ये तो सामाजिक सांस्कृतिक और समाज की सेवा करने वाला संगठन है, इसको गलत फंसाया गया है, इसका इसके ऊपर प्रतिबंध गलत लगा है। तो एक तरफ वो इंडी गैंग है जिसके पास सलमान खुर्शीद जैसे वकील है, जो बाटला बाटला हाउस के वकीलों के लिए आतंकवादियों के लिए जूझते हैं, वो प्रशांत भूषण जो है रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जवल निगम को दिया है। तो आज ये एक तो ये फैसला अब करना है, दोनों आज हिंदुस्तान के चुनाव में जो दो पार्टियां हैं दोनों के चरित्र का बिल्कुल साफ ब्लैक एंड व्हाइट प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया कि कौन कैसा है और देश के प्रति उसकी सोच क्या है। लेकिन मनीष जी, अभी दर्शकों बताऊंगा उज्जवल निगम का क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा निर्भीक निडर और प्रखर वक्ता, मैं उनकी वकालत की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में दूसरा कोई वकील ही नहीं जो जो इतना खुलकर बोलता हो। और अब एक जरा मुनि जी याद करिए, जिस समय 4 जजों ने वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रशांत भूषण और सब नाच रहे थे, शेखर गुप्ता वगैरह, और कैसा ये लोग बरसे थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ,
इस पूरे देश ने देखा था, उस समय वकालत करते हुए जो उज्जवल निगम ने जो कुछ कहा था, तो वास्तव में एक आदमी जिसका गजब का चरित्र हो और नैतिकता जिसमें कूट कूट कर भरी हो, सिद्धांतिकता जिसमें कूट कूट कर भरी हो, ईमानदारी जिसमें कूट कूट कर भरी हो और देश प्रेम जिसमें कूट कूट कर भरा हो, वही वकील ये बयान दे सकता था सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों के खिलाफ। जरा मनीष जी मैंने निकाल के रखा, उसको पढ़ के सुनाता हूँ। इसीलिए आज मैंने आज वास्तव में सल्यूट करने का मन कर रहा प्रधानमंत्री मोदी को कि बहुत बेहतरीन उन्होंने चयन किया है उज्ज्वल निगम को टिकट देके। उज्ज्वल दर्शक जान ले कि उज्ज्वल निगम कोई सिनेमा स्टार नहीं है या कोई नेता नहीं है कि उनके उनको कोई वोट के लालच में दिया गया है। एक तरह से उज्ज्वल निगम का सम्मान है और अभी बम्बई को तय करना है। मेरा तो मतलब हम लोग एक मांग कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि बम्बई वाले, बम्बई के जो नागरिक हैं, खासकर वो जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन उज्ज्वल निगम को इतने ज्यादा मतों से जिताकर भेजिए कि हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनना चाहिए। उज्ज्वल निगम को कौन आदमी उज्ज्वल निगम के खिलाफ वोट डालेगा, उस आदमी को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। संजीव त्रिपाठी एक लिख रहे हैं कि उज्ज्वल निगम का चयन सराहनीय है, मैंने उनको 2 साल पहले ट्रेन में मुंबई से नागपुर सफर करते हुए देखा, एकदम धरतीपुर आदर्शवादी व्यक्ति। तो निश्चित रूप से इसीलिए इसे मैसेजिंग दिया और इसीलिए हमने इस विषय को उठाया कि एक सामान्य आदमी को टिकट दिया गया, लेकिन इसे सतीश जी कितनी गंभीरता से बता रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। जी जरा मैंने कहा कैसा साहसी आदमी थे, नैतिक साहस जिसमें कूट कूट कर, जिस दिन इन चार जजों ने नौटंकी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली और जिसको लेकर बड़ा नाचे थे कांग्रेसी, उस दिन मरीज जी उन्होंने कहा था कि चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तीखी आलोचना की है और इसको भारतीय न्यायपालिका के लिए काला दिन बताया है। उज्ज्वल निगम ने कहा है कि चार जजों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण आज से आम आदमी का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ जाएगा, न्यायपालिका के हर फैसले को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, हर फैसले के खिलाफ सवाल खड़े किए जाएंगे। उज्ज्वल निगम की इस प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत प्रशांत भूषण ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो ये है उज्ज्वल निगम जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों के खिलाफ और एक नहीं चार चार जजों के खिलाफ डंके की चोट पर आवाज उन्होंने उठाई थी, खुलकर बोला था, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था। और बताता हूँ मनीष जी, उज्ज्वल निगम को तबीयत खुश हो गई आज, जैसे ही मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वल निगम को भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। और कितना डरते हैं इसे अभी उज्ज्वल निगम के बारे में, तो आज आज का बहुत गजब का है कि जिस समय 2013 की बात है मनीष जी, 2013 में जब संजय दत्त को जिस समय सजा होने जा रही थी, तो याद करिए दिग्विजय सिंह, मार्कंडे काटजू, ये सब जो है ये अभियान इन्होंने चलाया था, कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने अभियान चलाया था कि संजय दत्त की सजा माफ कर दी जाए, और संभवतः उस समय सरकार थी 2013, तो संभवतः ये लोग नौटंकी करके माफ भी कर देते। लेकिन उस समय एक आदमी चट्टान की तरह खड़ा हुआ था और वो सच बोला था जो जो न तो सरकार को रास आ रहा था न फिल्मी ग्लैमर पागल लोगों को रास आता। मैंने वो जो पोस्ट डाली थी 2013 में, पूरा बयान इसमें है, इसको दर्शक पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ अपने जो देख रहे कार्यक्रम कि उज्ज्वल निगम ने कहा क्या था मनी जी कि अगर संजय दत्त पुलिस को जानकारी दे देता तो मुंबई जलने से बच जाती, 254 लोगों की मौत नहीं होती, 800 से ज्यादा लोग घायल नहीं होते और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान नहीं होता। मुंबई में बम विस्फोटों के कुछ दिन पहले संजय दत्त के घर पर कुछ हथियार आए थे, उनमें से एक हथियार AK-56 उन्होंने अपने पास रख लिया और बाकी हथियार दो दिन बाद अंडरवर्ल्ड के लोगों को वापस कर दिए। फिर सबूत मिटाने के लिए उन्होंने अपनी राइफल भी नष्ट करा दी। उन्हें इन हथियारों के बारे में समझ थी, अंडरवर्ल्ड के बारे में जानकारी थी, लेकिन क्या इसकी समझ नहीं थी कि वह पुलिस को हथियारों के स्टॉक के बारे में सूचित कर दें? उनके घर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पहले से थी और उन्हें इतने खौफनाक हथियार क्यों चाहिए थे? सच तो यह है कि अगर संजय दत्त पुलिस को इस बारे में जानकारी दे देते तो मुंबई जलने से बच जाती, 254 लोगों की मौत नहीं होती, 800 से ज्यादा लोग घायल नहीं होते और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान नहीं होता। जब जब उज्ज्वल निगम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थी, तब इन बेशर्मों को शर्म आई थी, और ये नहीं तो संजय दत्त को 2013 में कांग्रेस ने माफी दे दी थी। तो वो संजय दत्त को 6 साल की सजा कराने वाले ये वकील, और उसके बाद जो माफी का अभियान चलाया था कांग्रेस ने, उसका उस अभियान की धज्जियां उड़ाने वाले उज्ज्वल निगम अकेले, कोई दल इनके साथ नहीं खड़ा था। और जरा मनीष जी, उज्ज्वल निगम के बारे में तो रात भर बात हो सकती है, और मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज उन्होंने
सर्वश्रेष्ठ, मैं कह रहा हूं 543 सीटों पर सारे दलों के जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ चयन उन्होंने किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसका सम्मान बंबई की जनता को करना चाहिए। जरा और याद दिलाता हूं मनीष जी, और एक तो घटना इतनी बढ़िया है उसको जरा बाद में बताऊंगा कि दर्शकों को समझ में आएगा कि कैसे लोग हमें चाहिए आज की तारीख में। ये याद होगा मनीष जी, 2015 में सलमान खान ने याकूब मेमन के समर्थन में ट्वीट कर दिया था कि उसको सजा जब फांसी हो रही थी तो उसने उस फिल्मी भाड़ में भी हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन उसके बाप ने आके सफाई देते हुए कहा था कि नहीं नहीं वो तो नशे में था, उसने नशे में हिंसा कर दिया, और माफी मांग ली थी उसके बाप ने भी और सलमान ने भी। तो वो उसको इन खैरातियों ने शुरू किया था कि अरे वो तो नशे में था, बाद में उसने माफी मांग ली, उसका ऐसा मन नहीं था, वो ऐसा आदमी नहीं है। लेकिन अब जरा दर्शक समझे कि वो सलमान खान को माफी मंगवाने वाले व्यक्ति उज्जवल निगम थे, उन्होंने जो कहा था मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना दे रहा हूँ, मैंने डाल भी दिया है। ये उज्जवल निगम ने दूसरे दिन ही कहा था कि सलमान खान का ट्वीट अदालत की अवमानना है, सलमान खान न्यायिक सिस्टम को कम करके आंकने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टर को अपना बयान वापस ले लेना चाहिए क्योंकि यह आपत्तिजनक है, यदि सलमान अपना ट्वीट वापस नहीं लेते और खेद व्यक्त नहीं करते हैं तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और जिस समय उज्जवल निगम ने ये बाकायदा ये चेतावनी दी थी तो वो भाड़ फिल्मी भाड़ सलमान खान और उसका बाप बहुत अच्छे से समझ गए थे कि सलमान खान की ये उज्जवल सलमान खान को उज्जवल निगम ने जो चेतावनी दी है इसका मतलब क्या है, यानी दोनों बाप बेटे जेल में होते। तो इस डर से सलमान खान ने तत्काल दूसरे दिन माफी मांग ली थी, उसके बाप ने भी उसकी तरफ से माफी मांगी थी। ये है उज्जवल निगम जिनके बारे में देश जानता है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनको सम्मान दिया, उनकी सेवाओं के लिए सम्मान दिया। उज्जवल निगम को अशेष शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, और प्रधानमंत्री मोदी को पुनः बधाई इस फैसले के लिए, इस चयन के लिए। और जरा सोचिए मनीष जी कि एक तरफ वो प्रधानमंत्री जो आतंकवादियों को फांसी दिलाने वाले वकील को संसद पहुंचाना, मेरे ख्याल से उनको मंत्री भी कहिए बनाए, और एक तरफ ये है इंडी गैंग। मैंने अभी सलमान खुर्शीद उनकी तो बात की कि एक तरफ इंडी गैंग उत्तर प्रदेश में यह है अखिलेश यादव, कि उनसे हाईकोर्ट पूछ रहा था कि आतंकवादियों को पद्म भूषण देना चाहते हो क्या, जब इसने 19 आतंकवादियों की सजा माफ कर दी थी, उसमें संकट मोचन मंदिर में 18 लोगों की जान लेने वाला ले लेने वाला वो वली उल्ला, वो सीआरपीएफ सेंटर पर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की जान लेने वाला 4 आतंकवादी जिनको बाद में फांसी हुई, और उसको जब इस आदमी ने माफ की थी उनकी सजा, तो हाँ मनीष जी आप दिखा रहे थोड़ा और उसको कर दीजिए जूम, कि जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस आर एस मौर्या की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से अपनी तल्ख टिप्पणी में पूछा है कि संदिग्ध आतंकवादियों पर से मुकदमा हटाने की पहल कर क्या सरकार आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रही, आज आप आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो क्या कल उनको पद्म भूषण से भी नवाज देंगे। तो ये सोचिए कि देश में चुनाव कैसे लोगों के बीच में हो रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो उज्जवल निगम को टिकट देते हैं और दूसरी तरफ ये इंडी गैंग है जिसमें अखिलेश यादव से पूछा जाता है, हाईकोर्ट पूछता है कि क्या आतंकवादियों को पद्म भूषण दोगे, सलमान खुर्शीद सिमी का मुकदमा लड़ता है, कपिल सिब्बल खालिस्तानी आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता है, और 3-3 बजे रात में खुलवाई जाती है अदालत सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, इससे बेहतरीन तरीके से नहीं समझा जा सकता है कि आपको चयन क्या करना है। मतलब इसके बाद भी यदि आंखें नहीं खुलती है कि देश को दो में से क्या चाहिए, कविता पढ़ी थी दो में से क्या चाहिए, कलम या की तलब। हाँ मनीष जी आपने अच्छा इस करिए तो मैं बीच में रोक रहा हूँ कि जिनका अभी आपने जिक्र किया वो नोएडा के हरामखोर जो भाग गए वोट ना देकर घूमने चले गए शिमला और मंसूरी, ये वो लोग हैं जो इस देश में वही सरकार चाहते हैं जो आतंकवादियों को पद्म भूषण देना चाहती है, ये देश में वो सरकार नहीं चाहते जो उज्जवल निगम को सम्मानित करे, इनको वो सरकार नहीं चाहिए, इनको वही सरकार चाहिए जो आतंकवादियों को पद्म भूषण देना चाहती है, यही इसीलिए मैंने रोका। आप बोलिए मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपको दो चयन में से आपको क्या चाहिए। जब लोग कहते हैं ना कि एक दौर था जब लोग कहते हैं कि राजनीति में तो ऐसे ही लोग आते हैं, सवाल ये कि राजनीति में आप चुन कर किसे भेजते हैं, किसको चुनते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं और उसके बाद सोचेंगे कि सब कुछ यूं ही बदल जाए।